मैं आज कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। और मेरे बेटे ने इतनी बड़ी बात मुझे कह दी, तो बारिश हो या तूफान हो जाना तो पड़ेगा ही, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइज अभी मैं टुक टुक से जा रही हूँ और बेटे के अलावा मेरे साथ बेटी भी है, आज दोनों बच्चे मेरे साथ हैं और आप लोगों को देख के पता चल गया मैं कहाँ आई हूँ। तो आज मेरे बेटे ने बहुत बड़ी बात मुझे कह दी कि मम्मी हम लोग क्या गरीब है कि छोटे छोटे जो जूते हैं पहनना पड़ता है। क्या है कि गाइज पूजा का वक्त हमने इसे शू दिया था और वैसे भी समर के वक्त हम लोग इसे जो स्लीपर्स सैंडल्स होता है ना ये हम देते हैं, पर क्या है अभी बढ़ती उम्र है ना, 3-4 महीना पहनता है और फिर छोटा पड़ जाता है। और वही हुआ कि ट्यूशन जाते वक्त इसको दिक्कत आता है और वो कह रहा था कि मम्मी हम इतना गरीब हो गए कि छोटे छोटे जूते मुझे पहनना पड़ता है और मुझे चलने फिरने में दर्द होता है पैरों में। तो ये सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा और इसलिए मैं आई हूँ आज के लिए शू खरीदने के लिए। गाइस बेटे को पूछ लेती हूँ, उसे पसंद आया या नहीं। आया क्या? खुश हो? तो गाइस अभी खुश है, तो चलिए आगे कहाँ जाती हूँ, चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो गाइस पीछे गाना चल रहा था इसलिए मैंने साउंड को म्यूट कर दिया और आपसे मैं कह रही हूँ कि बेटे की ज़रूरत मैंने पूरी किया, अभी बेटे की ज़रूरत पूरी करनी है क्योंकि बाबू को शू की ज़रूरत थी इसलिए मैंने दिया है और शुना का भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है अभी, तो इसलिए मैं दे रही हूँ। और गाइस क्या है कि ना आपके पास दो बच्चे हैं तो दोनों में आप फोकस रखना, मैं और सुभाष ऐसे ही करती हूँ क्योंकि आजकल के बच्चे ना अभी क्या है कि रिलेटिव के साथ इतना भी इनका क्लोज रिलेशन नहीं होता है और मम्मी पापाओं से ये चाहते हैं कि ज़्यादा प्यार लाड प्यार पाए। और आप एक बच्चों में ज़्यादा ध्यान दोगे तो और एक बच्चा ना डिप्रेशन में चला जाता है और क्या से क्या हो जाता है, इसलिए ना मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहती हूँ कि दोनों बच्चों के ऊपर आप ध्यान रखना। तो गाइस आप लोग कहोगे कि तुम्हारे पास पैसा है इसलिए दोनों बच्चों को दे रहे हो, ऐसा बात नहीं है, फालतू पैसा मैं खर्चा नहीं करती हूँ, जो चाहिए होता है वो मैं देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करना, फालतू खर्चा नहीं करना, बच्चे जिद करे तो नहीं देना, वैसे तो आपको लगे कि ये ज़रूरत है तो आप लोग देना। और देखिए मेरी बेटी का कुछ सामान है जो अभी चाहिए, ज्वेलरीज का कुछ पर्सनल चीज़ें है तो ये मैं खरीदूँगी और फिर कुछ खरीदना है तो ये खरीद लेती हूँ। और वैसे भी आज दोनों बच्चों के साथ आई हूँ तो देखती हूँ क्या लेती हूँ। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Oh, my God. और गाइस हम ना कह रहे तीनों ही कह रहे कि और मेरी बेटी खास करके आपसे कह रही है कि चारों बंद है और स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है और पूरा शरीर भीग गया है, सांस फूल रहा है, ऐसा हालत हो रहा है। देख रही हूँ ना खरीदने को मन कर रहा है, देखिए इतना दर्द, देखिए गाइस ये लंटन है शायद, नहीं लैंप है, देखिए बहुत ही बढ़िया गाइस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और ये वाला बहुत ही क्यूट है गाइस, देखिए ये वाला छोटू सा, ये बहुत ही बढ़िया। और इसका प्राइस कितना है? 99। ये कितने का है? गाइज अभी थर्ड फ्लोर में जा रही हूँ
और मैंने नाइफ खरीदा और इसके बाद सर्विंग प्लेट खरीदूंगी और कुछ भी नहीं। और ये जो कटोरी है ना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, पर आज नहीं खरीदूंगी, बाय वन गेट वन फ्री है, पर बाद में खरीदूंगी। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा गाइस। और देखिए ये सर्विंग प्लेट मैंने खरीदा है। तो गाइस जो खरीदना था मैंने खरीद लिया। अभी शोना लाई लेके खड़ी है, पेमेंट करेगी और इसके बाद हम कुछ खाएंगे। आज मंडे है और तो मंडे के दिन वैसे तो बाहर कुछ भी नहीं खाती हूँ, और आज तो फिर थे बाबू कह रहा है तो कुछ ना कुछ खाऊंगी क्योंकि बच्चों को लेकर आई हूँ, तो कुछ खाऊंगी और इसके बाद खरीद जाऊंगी। गाइस अभी मैं आई हूँ किशन स्वीट्स में और यहाँ पे ना दही बड़ा बहुत ही टेस्टी मिलता है। दही बड़ा क्यों, सभी चीज़ें बहुत ही बढ़िया मिलता है। पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किया है, जब भी हम बाहर जाते हैं ना यहाँ पे खाते हैं और बच्चों के लिए ले जाते हैं घर, और आज तो बच्चे भी साथ में हैं। और मैंने पहले भी मेरे वीडियो में शेयर किया है कि किशन स्वीट्स का सभी चीज़ें बहुत ही टेस्टी होता है, जैसे कि स्वीट्स यहाँ का बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। और क्या क्या है मैंने पहले शेयर किया है, फिर भी आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं खाऊंगी और एक बच्ची है यहाँ पे तो उससे मैं किशन स्वीट्स का खाना बाद में खाऊंगी। मतलब कि टेस्ट के हिसाब से तो देखा जाए तो दही बड़ा ठीक है, और जो स्टॉल है मतलब मैंने खाया फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा, आपने मतलब वीडियो किया तो मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं तो अच्छा लगा, टेस्ट कॉम्बिनेशन अच्छा था। हाँ, दही बड़ा का नहीं, यहाँ का दही बड़ा से लेके जो स्वीट्स है ना बहुत ही बढ़िया होता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया किशन स्वीट्स का और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो सराहा भी, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी, स्वीट्स से लेके जो जो भी है ना बहुत ही फ्रेश होता है। वैसे तो सब कुछ वैसे बिक जाता है एक दिन में, सब कुछ है ना कि कई शॉप है कि ऐसा नहीं होता है कि हाँ बासी होता है, हाँ हाँ तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, तो इसलिए मैं आती हूँ और जब भी मैं आती हूँ मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो आपको क्या, आप पहली बार आए हो? पहली बार तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो दही बड़ी का जो बड़ा है ना बहुत ही सॉफ्ट है, और इसके साथ जो मसाला चटनी ये सब ऐड किया जाता है ना और भी शॉपे पर, इसमें जो जो मसाला ऐड किया जाता है ना किशन स्वीट्स का जो दही बड़ा होता है ना बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। आप एक बार खाओगे तो बार बार खाना चाहोगे, इतना ही टेस्टी। तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा किशन स्वीट्स का। और ये जो लड़की है ना ये पहली बार आई है और वो कह रही थी कि मैं अभी मेरे दोस्तों के साथ आऊँगी, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मेरा जो वीडियो है ना ये देखकर बहुत सारे व्यूअर्स है जो आ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे सिलचर वासी मेरे बात समझ रहे हैं कि कहाँ पर खाना बहुत ही टेस्टी बनता है मिलता है। और गाइस हमने ना दही बड़ी के साथ साथ कॉर्न सैंडविच और वेजिटेबल चॉप भी खाया है और बहुत ही टेस्टी लगा है मेरे बच्चों को, और गर्मा गर्म है और इसलिए शुना कह रही थी कि मम्मी तुम खिला दो मुझे, तो मैं वही कर रही हूँ, बच्चों को खिला रही हूँ गर्मा गर्म। और इसके साथ सॉस भी है कॉर्न सैंडविच के साथ ग्रीन चटनी और इसके साथ और इमली की चटनी भी है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो जो सिलचर में है ना आप जिन्होंने विजिट नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चे मेरे हाथों से खाना पसंद कर रहे हैं तो इसलिए मैं खिला रही हूँ। और चीज़ देखिए कितना सारे चीज़ है कॉर्न सैंडविच में, तो अभी हम खा रहे वेजिटेबल चॉप और इसके बाद घर चले जाएंगे। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।